हेलो स्टूडेंट. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर वोकैबुलरी. आई गेस दैट चैप्टर नंबर इज 12. चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 34 वोकैबुलरी. सो इट इज जस्ट चैप्टर ऑफ लाइक यू जस्ट हैव टू फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड. डन. चैप्टर नंबर 12 वोकैबुलरी पेज नंबर 34. ओके सो द क्वेश्चन इज गिवन लाइक अ वर्ड is given. Out of four word, choose the word that is closest in meaning to the given word. Then, so that is that means the we just have to find the meaning of the given words. Then, हमें सिर्फ वो जो भी words दिए हैं उसका क्या find करना है, meaning find करना है. Okay, so let's start with the first question. Okay, so the first word is given as order. Order. Okay, so order we can say that there are two types of order. एक तो order का meaning होता है कि हम किसी को order दे रहे हैं. That means कि हम किसी को suggest दे रहे हैं या फिर किसी को ऐसा काम करने को बोल रहे हैं जो उसको करना पड़ेगा. Done. That is the one. Second is the order. That means line में रहना. Done. So that can be उसका सिनोनियम से हो सकता है विच इज कॉल्ड द सीक्वेंस. तो यहाँ पर हमें सेकंड वाला दिया है जिसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सीक्वेंस. डन. ऑप्शन ए सीक्वेंस. ओके नेक्स्ट सेकंड वन मोशन. ओके मोशन मीन्स कोई चीज जो है वो मूव हो रही है. सो दैट इज कॉल्ड द मोशन. ओके सो इफ वी सी द मीनिंग ऑफ ऑल द फोर ऑप्शंस तो फैटल मीन्स कुछ बैड रिजल्ट. सो फॉर एग्जांपल फैटल एक्सीडेंट. सो ड्यू टू दैट द पेशेंट डाइड. सो उसको बोल सकते हैं फैटल. देन ट्रांजिशन मीन्स चेंज from you can say that one state to another means वो change होना. That is again the move होना. तो वो एक B option आ सकता है. Pursue means follow करना and push means धक्का देना. So इसमें से जो most closest meaning वाला है वो option है B. Then okay. Second one answer is option B. Transition. Next, third one, genuine. Okay, so genuine means बहुत ही अच्छा या फिर we can say the real person, then or the real thing. So good is also अच्छा ही होता है but बहुत अच्छा नहीं होता है. Excellent we can say that, but we cannot say that excellent as a real. Bona fide we can say the real, so वो एक आ सकता है. And peaceful वो शांत वाला. So the good closest meaning is C bona fide. Fourth one distinct. So distinct का meaning हो सकता है कि सबसे अलग. Then so in this one we can say that कि दो options हैं जो आ सकते हैं. First one एक is given as a separate. So separate का meaning भी होता है अलग होना. And different तो different का meaning भी होता है अलग होना. Outstanding
that cannot be done, and apparent can also cannot be. So इसमें by default दोनों closest meaning ही है. And the back side it is given the different but separate also the closest meaning as the different is the closest meaning. So I suggest in this fourth question both the answer same, that is A and B both are the answer, because separate also can become and different also can come. Okay, next fifth one, resist. So resist का मीनिंग क्या होता है कि सपोर्ट करना और अगेंस्ट हो जाना, या फिर वी कैन से दैट कि कोई भी चीज के ऊपर स्टैंड लेना. डन. सो इन दिस वन विदस्टैंड, विदस्टैंड वी कैन से दैट कि हाँ वो एक स्टैंड लेना हो सकता है. रॉन्ग मीन्स गलत, एसोल्ट मीन्स अलग अटैक करना होता है, एंड क्रिटिसाइज मीन्स किसी चीज के ऊपर हमारा डिसअप्रूव देना, या फिर किसी को ऐसे ये मीन्स ऐसा पर्सन है या फिर ये ऐसा पर्सन है. देन सो उस तरह से उसको क्रिटिसाइज मीन्स जज करना. सो क्लोजेस्ट मीनिंग वी कैन से दैट कैन बिकम एज ए विदस्टैंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, स्केयर्स. सो स्केयर्स इसका मीनिंग होता है कि जल्दी से ना मिलना, मीन्स को ऐसी चीज जो हमें डायरेक्टली नहीं मिल पाती उसको स्केयर्स बोलते हैं. ओके, सो ड्रॉबैक कैन नॉट बिकम, ड्रॉबैक मीन्स पीछे, एडिक्यूट ऑल्सो कैन नॉट बिकम, रेयर कैन बिकम, रेयर का मीनिंग भी वही होता है. Then, कोई ऐसी चीज जो हमें जल्दी से ना मिले, एंड चीप मीन्स बहुत सस्ता, तो वो भी नहीं हो सकता. सो फॉर दैट वन सिक्स्थ वन ऑप्शन सी इज द क्लोजेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, जेस्ट. ओके, सो एक्चुअली जेस्ट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से दैट द थिंग, इफ वी टेक दैट देन We got the energy, then और कोई ऐसी person, कोई ऐसा person जो हमारे बाजू में आ जाए तो वो हमें energy भर देता है. then so that can be called the zest, happy option A, not B energy, yes. C anxiety, anxiety means a feeling of worry or fear, means ऐसा feeling करना कि हमें घबराहट हो रही है उसको बोलते हैं. Anxiety and satisfied also cannot become. So best closest meaning is B, energy. Next question number eight, ugly. Okay, ugly means kharab. So I guess इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं. डायरेक्टली ऑप्शन ए इज द प्रॉपर, विच इज हॉरिबल. रफ मीन्स नॉट दैट टाइप, प्लीजेंट मीन्स अच्छा, एंड रोटन मीन्स सड़ा हुआ. सो बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज ए हॉरिबल. आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, ट्रांजेक्शन. ओके, सो ट्रांजेक्शन दैट मीन्स क्या होता है कि बिजनेस डील्स जो होती है उसमें, या फिर कोई हम काम करते हैं तो उसमें हम डील साइन करते हैं. डन. सो इट इज द वी कैन से दैट मनी ट्रांजेक्शन ऑल्सो वी कैन कॉल इट. डन. द टाइम ऑफ बैंक, सो उसमें हम मनी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं, या फिर कोई भी गुड्स की ट्रांजेक्शन हो, मीन्स माल सामान की ट्रांजेक्शन हो तो उसको बोल सकते हैं. So that is a kind of movement of money or goods. Then that option number A is given as a business, so that can be close option. Sale means sift sale karna. Execution. Okay, for that ninth one on your backside means option answers jo diye usme backside mein answers iska execution diya hai. See,
बट दैट कैन नॉट बी आंसर बिकॉज एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है कि कोई चीज के ऊपर अमल करना, डन। और सेकंड मीनिंग होता है कि फांसी दे देना, डन, या फिर मार देना, डन। सो इसका और ट्रांजिशन का कोई लेना देना नहीं है, सो दैट कैन नॉट बी डन। एंड लास्ट वन इज द बाय, मीन्स परचेस करना। सो क्लोजेस्ट मीनिंग वी कैन गेट इज द ए ओनली, बिजनेस। कैन हियर इट प्रॉपरली? सी, बैक साइड में सी आंसर दिया है, बट सी नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ए क्लोजेस्ट मीनिंग में रखा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पॉपुलर। ओके, ऑब्वियसली ए प्रोमिनेंट, नो नीड टू एक्सप्लेनेशन दिस वन। प्रोमिनेंट। नेक्स्ट लेजियर। लेजियर इट मीन्स दैट कि ऐसी चीज और एट वो वाला टाइम जिसमें किसी के पास कुछ काम ना हो, दैट मीन्स आराम हो, शांति हो, मीन्स पीस हो। सो उसका बेस्ट मीनिंग है उसमें कंफर्ट, स्लो, बिजी एंड पीस। सो कंफर्ट वी कैन नॉट से दैट बिकॉज काम के टाइम भी हम कंफर्ट हो सकते हैं, स्लो नॉट, बिजी ऑल्सो नॉट। सो पीस इज द क्लोजेस्ट मीनिंग वी कैन से दैट। सो 11th वन आंसर इज डी, पीस। ओके लास्ट वन, सैंक्शन। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉल्ड द सैंक्शन? सैंक्शन मीन्स कोई ग्रांट करना, या फिर से फॉर एग्जांपल दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू हैव लर्न, यू हैव हर्ड इन द कोर्ट, डन, कि उसको सैंक्शन किया, मीन्स सजा दी है, या फिर ये बात कही है, या फिर कोई भी लॉ पास किया है, सो दैट लॉ इज पास्ड, देन। सो इट इज काइंड ऑफ कोई कोई चीज की परमिशन देना, देन, सो उसको सैंक्शन बोलते हैं। कंफर्म नॉट, अग्री ऑल्सो नॉट, परमिशन कैन बी द गुड क्लोजेस्ट मीनिंग। सो सी परमिशन। ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज यू कैन सी दैट ऑल द 12 आंसर आई हैव रिटन। ओके बाय।